दोस्तों आपने स्टील कंपनी के प्रोडक्ट खेतों में चलते हुए देखे होंगे, बाग बगीचों में देखे होंगे, या इवन आप हाईवे पे निकल रहे होंगे तो वहाँ पे ब्रश कटर के साथ ट्रिमर अटैचमेंट लगा के चलते हुए देखे होंगे। अलग अलग जगह आपने अलग अलग प्रोडक्ट देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टील के क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, कितनी इसकी रेंज है, इसके शोरूम किस प्रकार से होते हैं, इसके साथ ही साथ ये किसान भाइयों के लिए प्रोडक्ट को किस तरह से उपलब्ध करवाते हैं, आफ्टर सेल सर्विस क्या रहती है, वो किसान इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। तो इस जानकारी को लेने के लिए मैं आया हूँ, हमारे नज़दीकी डीलर हैं उदयपुर शहर में, तो वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शोरूम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि स्टील के क्या क्या प्रोडक्ट हैं और क्या क्या वो काम करते हैं, तो इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको जानकारी देते हैं, कंपनी की तरफ से सर हैं हमारे साथ और ये हैं डीलर साहब उदयपुर के। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए सर। नमस्कार सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि हमारे उदयपुर के डीलरशिप पे आप आए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं इस कंपनी में पिछले 1.5 साल से हूँ और मैं दिल्ली NCR हरियाणा और राजस्थान का एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। तो राजस्थान में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे डीलर्स हैं, जितने भी हमारा यहाँ का बिजनेस है, चाहे किसानों पर है, चाहे वो कॉरपोरेट में है या सरकारी विभागों में, उसकी देखरेख मैं करता हूँ और ये हमारे डीलर हैं उदयपुर के। थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अंशुल है, मैं स्टील का डीलर हूँ उदयपुर में और स्टील से रिलेटेड जो भी सामान और सर्विस है वो मैं देखूंगा। तो अब देवेंद्र जी बता दीजिए कि स्टील के क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग जगह अलग अलग चीजें देखी होगी। जब आप शोरूम पे आज खड़े हैं जी, तो यहाँ तो सारी रेंज अवेलेबल होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे डीलर ने बहुत अच्छे से इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास चेनसॉज आती हैं पेड़ काटने के लिए, हमारे पास ब्रश कटर आते हैं घास काटने के लिए या फिर धान काटने के लिए, हेज ट्रिमर आते हैं झाड़ियाँ काटने के लिए, हेजिस को मेंटेन करने के लिए, ब्लोअर्स आते हैं मिट्टी उड़ाने के लिए, पत्तों को उड़ाने के लिए, पत्तों को मेंटेन करने के लिए, लॉन मूवर्स आते हैं हमारे पास जिसमें हम घास को मेंटेन करते हैं, जितने भी बड़े फार्म्स हैं, रिजॉर्ट हैं, होटल्स हैं, वहाँ को मेंटेन करने के लिए। फार्मर रेंज आती है, फार्मर रेंज में हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं किसान भाइयों के लिए। हमारे पास टीलर है, वीडर्स हैं, हमारे पास वाटर पंप्स हैं, मिस्ट ब्लोअर्स हैं, स्प्रेयर्स हैं, ऑगर हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आने में दिखाएंगे। क्लीनिंग रेंज, अभी तक हम क्या करते थे कि हम सिर्फ इन्हीं इक्विपमेंट्स पर काम करते थे, अभी हम क्लीनिंग रेंज भी लेके आए हैं। जैसे जो किसान भाई हैं वो अपना ट्रैक्टर धोना चाहते हैं, फार्म हाउसेज हैं उनको वैक्यूम क्लीनर से अगर हमने क्लीन करना है तो उन चीज़ों के लिए भी है। स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज, हमारी मशीनें, हमारे डीलरशिप, हम उन्हीं को ऑफर करते हैं जो हमारा स्पेयर पार्ट मेंटेन करते हैं, हमारी सर्विस सेंटर को मेंटेन करते हैं, हमारी एसेसरीज को मेंटेन करते हैं। तो जो किसान भाई, जो भी हमारे उपभोक्ता जो इन मशीनों को लेते हैं, वो उनको एसेसरी कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, स्पेयर कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। चाहूँगा हमारे स्टील के हेज ट्रिमर से, इनका बेसिकली काम होता है जितने भी बड़े रिजॉर्ट, मंदिर, फार्म हाउस जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ पे झाड़ियों की हेजिस को मेंटेन करना होता है, वहाँ पे इनका मेजर रोल रहता है। ये जनरली लोग सड़क पे भी यूज़ करते हैं, जो हमारे सड़क के बीचों बीच जो फुटपाथ होते हैं वहाँ पे जो झाड़ियाँ मेंटेन की जाती हैं, वो ब्रश कटर से भी हम मेंटेन करते हैं नीचे वाली घास को और ऊपर की हेजिस को भी इससे मेंटेन करते हैं। ये मशीनें पेट्रोल में भी आती हैं, बिजली से चलने वाली भी आती हैं और बैटरी से चलने वाली भी आती हैं। बैटरी मतलब बोले तो बैटरी ऑपरेटेड? हाँ, बैटरी ऑपरेटेड, कोई तार नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, एक छोटी सी बैटरी आती है, आप अपनी वीडियो में दिखा भी सकते हैं। अभी जब हम इसको लगाएंगे तो कोई वायर नहीं चाहिए, सिर्फ बैटरी को चार्ज किया और उससे इस मशीन को चलाया। इससे चलने वाली सिर्फ हेज ट्रिमर ही नहीं आते हमारे पास, जैसे ये छोटी सी बैटरी है, ये बैटरी से हम चेनसॉ भी चलाएंगे, अभी आगे मैं दिखाने वाला हूँ, हेज ट्रिमर भी चलाएंगे, ब्रश कटर भी चलाएंगे, हम सारे इक्विपमेंट इस बैटरी से। इतनी सी बैटरी से? सर ये बहुत छोटी सी बैटरी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये लिथियम आयन बैटरी होती है, मतलब आप अभी इतनी सी बैटरी से पूरी की पूरी गाड़ी चल जाती है आप देखोगे तो, है ना। तो इसी तरह हमारी छोटी सी बैटरी होती है मोबाइल में, लेकिन 4-4 दिन हमारे मोबाइल चलते हैं, हम वीडियोस भी देखते हैं उसमें, बात भी करते हैं। तो अब वो दिन गए जब हम इन्वर्टर की बड़ी बैटरियों की बात कर रहे हैं, ये छोटी लिथियम आयन बैटरी होती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसका रनिंग लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखिए हमने इसमें सिंपल एक ये बैटरी फिट कर दिया, यहाँ पर हमें ये भी पता लगता रहेगा कि ये बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं चार्ज है। मैं इसको यहाँ से इसका सेफ्टी गार्ड उतार देता हूँ, आप देखिए सिंपल एलईडी मशीन को चलाएंगे। और अगर आप ये देखना चाहेंगे तो ये भी चेक कर सकते हैं कि ये सारी की सारी मशीनें कहाँ से आती हैं। जनरली हमारी मैक्सिमम मशीनें जितनी भी बैटरी और इलेक्ट्रिकल में आती हैं वो ज़्यादातर मेड इन जर्मनी होती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी वारंटी होती है, बैटरी और इलेक्ट्रिकल पर 6 मंथ की वारंटी होती है मोटर की, और पेट्रोल के टूल में इंजन की वारंटी होती है 1 साल की। टीलर्स और वीडर्स जो होते हैं मैं आगे बताऊंगा, उन पर 2 साल की वारंटी, ठीक है। बैटरी मल्टी यूज़ के लिए है क्या? यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंशुल जी से,
अभी इसी से हमने ये चलाया, अब इसी से हम अपनी छोटी चेनसो चलाने वाले हैं। ये देखिए इसी इसमें भी वही बटन दिया हुआ है जिससे हम करते हैं। क्या बात है, जितनी भी छोटी टहनियाँ हैं, जितने भी छोटे पेड़ हैं जहाँ पे हमें छोटी छोटी टहनियों को काटना पड़ता है वहाँ पे इस मशीन को हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं इस बैटरी को निकालूंगा, अभी मैं दूसरी जगह इसको लगाऊंगा। ये देखिए सर, ये कैची का काम कर रही है, ये कैची का काम कर रही है जो छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए, या घास के जो कोने वाले साइड होती है वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अगेन इसमें भी बताया जा सकता है कि कितनी बैटरी चार्ज होनी है। एक बैटरी चार्ज होने पे अप टू 50 मिनट, 50 मिनट तक, अलग अलग टूल के हिसाब से है, 50 मिनट तक इस मशीन को चला सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू चलने पे। लेकिन हम कैसे चलाते हैं, चलाया बंद किया, चलाया बंद किया, तो वो 50 मिनट से कहीं ज़्यादा हो जाता है। और एक बैटरी चार्ज होने में 30 से 35 मिनट लेती है। जब भी कोई भी सेट आएगा वो बैटरी और चार्जर के साथ आएगा, ठीक है। जिस तरह ये ब्लेड आता है इसी तरह इस मशीन के साथ हमारे पास बड़ा वाला ब्लेड भी आता है, इसको हम चला सकते हैं। तो ये मशीन दो ब्लेड्स के साथ आती है। हेज ट्रिमर के बाद हम अपनी अगली रेंज दिखाने जा रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं ब्रश कटर। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बिजली से चलने वाले ब्रश कटर आते हैं अलग अलग रेंज में, अलग अलग वोल्टेज में, और पेट्रोल से चलने वाले ब्रश कटर आते हैं। इसी तरह ये ब्रश कटर बैटरी से चलने वाले भी आते हैं, अलग अलग इंजन कैपेसिटी के हिसाब से। आपका दिन में 1.5 घंटे का चलने का काम है, दिन में 4 घंटे चलने का काम है, 8 घंटे, आर्मी वाले हो गए, एयरफोर्स वाले हो गए, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हो गए, हमारे किसान भाई हो गए धान की कटिंग के लिए, या सड़कों को मेंटेन करने वाले हो गए, एमसीडी वाले हो गए, जिन म्यूनिसिपल में नगर निगम वाले, वो सब लोग तरह तरह के ब्रश कटर हमसे लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये भी तीनों तरह में आते हैं, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं, पेट्रोल में भी आते हैं, और बैटरी में भी आते हैं। वही बैटरी जो हमने उन मशीनों में चला के दिखाई वो उसी ब्रश कटर में भी चलेगी, वही बैटरी ब्रश कटर भी चला देगी, वही बैटरी ब्रश कटर में चलेगी। अगर एक कोई भी उपभोक्ता हमसे अलग अलग मशीनें लेता है, उसको अलग अलग मशीनों के साथ अलग अलग बैटरी लेने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बैटरी है जो सारी की सारी मशीनों में चलेगी। क्या बात है सुरेश जी, मैं ब्रश कटर के बाद आपको लेके जाना चाहूंगा हमारी अगली रेंज, जो सबसे पॉपुलर रेंज, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली मशीन, वर्ल्ड में सबसे पहले बनाने वाली कंपनी स्टील थी जिन्होंने ये चेनसो का इजाद किया। 1926 में वर्ल्ड में जो पहली चेनसो बनाई गई वो एंड्रिया स्टील, जो इस कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने बनाया, जो हमारी कंपनी का नाम भी है। ये चेन भी अलग अलग गाइड बार के साथ आती है, जो चेनसो आती है 16 इंच, 14 इंच, 18 इंच, 20 इंच, अप टू 56 इंच तक हमारे पास चेनसॉज आती है, जैसे जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। ये मशीनें पेट्रोल से भी चलती हैं, ये मशीनें बिजली से भी चलती हैं, मैंने अभी आपको एक चेनसॉ दिखाई, ये मशीन बैटरी से भी चलती है, वही बैटरी इसमें भी यूज आने वाली है। यस यस यस। और बड़ी बात क्या है कि हमने जितने भी आपको अभी तक मशीनें दिखाई, चाहे ब्रश कटर है, चाहे हेज ट्रिमर है, या चेनसॉ, ये सारे टू स्टॉक इंजन है जो पेट्रोल वाले में। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं सुरेश जी, भी आज हम स्कूटियां चलाते हैं, लेकिन आज से पहले जब हम चेतक स्कूटर चलाते थे जो टू स्ट्रोक होता था, उसमें ज्यादा जान होती थी आज की? उसमें ज्यादा होती थी, उसकी लाइफ होती है। तब के चले हुए स्कूटर, तब के चले हुए मोटरसाइकिल आज भी चल रहे हैं, बिल्कुल, है ना, वो अभी भी तंदुरुस्त है, सिर्फ अच्छे से मेंटेन करना होता है। बाहर के देशों में हम यहाँ पे सिर्फ 1 साल की वारंटी देते हैं, बाहर के देशों में लोग क्लेम करते हैं कि 15-15 साल तक ये इंजन चलते हैं, ये टू स्टॉक इंजन होते हैं, अगर इसको अच्छे से मेंटेन करें। हम खुद इसका टूटी ऑयल भी साथ में देते हैं किसान भाई या जो हमारे उपभोक्ता जगह लेना चाहें। अगर आप कोई लोकल ऑयल डालते हो तो वो चलेगा, वो डलेगा 40 ml 1 लीटर में, लेकिन ये डलेगा 20 ml। हमने हर जगह पे ये मेंशन भी किया हुआ है, आधा ही काफ़ी है। अगर कोई लोकल चला रहा है तो वो 40 ml चलेगा, अगर वो स्टील का टूटी ऑयल है तो वो सिर्फ 20 ml ही चाहिए, और इंजन की लाइफ बहुत ऊपर चली जाएगी। आपको और बोलना चाहूंगा, हमारी जितनी भी चेन आती हैं जो चेनसॉ के साथ हम देते हैं, वो सारी की सारी स्विस मेड होती हैं, हमारी स्विट्जरलैंड की फैक्ट्री से वो आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कॉम्पिटिटर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बट हमने इंजन कहीं से लिया, बार कहीं से ली, चेन कहीं से लिया, मशीन कहीं से ली, बॉडी कहीं से ली, नहीं, स्टील का 90 से 95% मटेरियल जो है वो स्टील के इन हाउस फैक्ट्री में बनता है। हम बाहर से कहीं से चेन लेके नहीं देते, हम बाहर से कहीं से ऑयल लेके नहीं देते, हम गाइड बार बाहर से कहीं से लेके नहीं देते, सारा का सारा मटेरियल स्टील का इन हाउस बनता है। तो जो भी कस्टमर अगर स्टील की मशीन लेता है तो वो ये सुनिश्चित कर ले कि उसको जो मशीन मिलने वाली है वो 4 जगह से इकट्ठी करके पैक नहीं की, एक डब्बे में बंद नहीं की, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है सारी की सारी, हमारे इन हाउस पार्ट बनते हैं सारे, ठीक है। हमने आपको अभी तक बहुत सारे रेंज के बारे में बताया, अब मैं किसान भाइयों के लिए जो हमारी मशीनें हैं
जो हमारे टीलर्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे पास टीलर्स में भी तीन तरह के मॉडल आते हैं। 2.1 एचपी जो 12 इंची की चौड़ाई के साथ आता है, ये सामने जो बैठा हुआ है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, ये 2.1 एचपी की मशीन है। अगर आप इसकी टोटल विड्थ चेक करेंगे तो ये 12 इंच के आसपास बैठती है और इसकी डेप्थ भी जो है वो 3 से 4 इंच तक जाती है। ये टू स्टॉक मशीन है। ये भी 1 ईयर वारंटी के साथ आती है। इसका सर्विस सेंटर, इसकी सर्विस सब कुछ अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इसको नाप के देखना चाहेंगे तो मैं शुरू से बोलूंगा तकरीबन ये हमारे पास एक फीट के अंदर रहता है। 11 इंच की चौड़ाई ये लेके चलेगी। मशीन का मेन उपयोग जितने भी हमारे बागवानी वाले किसान भाई हैं, सब्जी लगाने वाले हैं, जिन्होंने पॉलीमर हाउस लगाया हुआ है, उन सब जगह पे ये मशीन कारगर है, कामयाब है और चलती है। इसके बाद में लेके आना चाहूंगा हमारी 6 एचपी की मशीन पे। इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 2.5 से 3 फीट के आसपास है। ये 6 एचपी है और ये वाली मशीन 7 एचपी है। अगर मैं इन मशीनों के बारे में बात करता हूँ सर कि ये 6 एचपी है 7 एचपी है, तो ये FMTTI की रिपोर्ट के साथ है। FMTTI सरकार द्वारा ही दी गई संस्था है। जो हम कहते हैं, जो हम कैटलॉग में लिखते हैं, उसको वो अपने वर्कशॉप में जाके 3-3, 4-4 महीने उसकी पूरी रिपोर्टिंग लेती है, उसको चेक करती है, फिर बताया जाता है। ये सारी की सारी मशीनें जो है 4 स्ट्रोक इंजन में है। इन मशीनों के अगर मैं इंजन की बात करूँ तो ये अब तक के सबसे लेटेस्ट पेट्रोल इंजन है। इंडिया में इसको स्टेज 5 इंजन भी बोला जाता है। जैसे भारत में जितने भी पेट्रोल के इंजन चलते हैं वो BS6 भारत 6 के नाम से आते हैं। उसका रीज़न होता है कि उनका पोल्यूशन कम होता है, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, उनकी एवरेज अच्छी होती है। इसी तरह यूरोप में चलने वाली जितने भी इंजन होते हैं उसको यूरो 5 कहते हैं। ये इंजन ऑस्ट्रिया से बन के आते हैं और ये पूरी की पूरी मशीन फिर इंडिया में आके इसको असेंबल किया जाता है, उसके बाद ये हमारे किसान भाइयों तक मुहैया होती है। इस मशीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अंशुल जी ने उदयपुर के आसपास बहुत सारे एरियाज में इसको दिया हुआ है। अंशुल जी, हमारे कौन कौन से एरियाज में ये ज्यादा चलने वाली मशीन है? उदयपुर में हल्दीघाटी हो गया, या खेरवाड़ा हो गया, सलुम्बर हो गया, गोमती चौराहा हो गया। काफी किसान हमसे ये मशीन 7 एचपी, 6 एचपी, 2.5 एचपी ये सारी मशीनें लेके गए हैं और काफी सेटिस्फाइड है, खुश है। और इनकी इंजन पे 2 साल की वारंटी है। जो स्टील के जो इंजन है ये काफी बेहतरीन इंजन है जो अब वाटर पंप्स में भी आते हैं और इन पे कंपनी 2 साल की वारंटी देती है। जो भी किसान भाई हमसे जो मशीनें यहाँ से लेके जाते हैं, चाहे वो राजस्थान के इस हिस्से से लें या राजस्थान के बाकी हिस्सों से लें, हमारे जगह जगह पे राजस्थान में या पूरे इंडिया में जगह जगह पे हमारे सर्विस सेंटर्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उदयपुर से मशीन लेके गए और किसी और एरिया में जाके चला रहे हैं। अगर वहाँ पे आपको कोई तकनीकी हेल्प चाहिए या आपको मशीन की कुछ सर्विस करानी है, रूटीन सर्विस करानी है, तो जरूरी नहीं है कि आप उदयपुर लेके आए, उसको आपके नज़दीकी भी सर्विस सेंटर होंगे। हम जो भी नीचे नंबर मेंशन कर रहे हैं इस पर अगर कोई भी किसान भाई या कोई भी यूज़र हमें कॉल करता है तो उसी कॉल पे उनको बता दिया जाएगा, उनको हमारा नंबर दे दिया जाएगा और हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि ये मशीनें किसान या जो भी हमारे किसान भाई हैं वो ठोक भरक के लेते हैं, अगर कोई किसान भाई इन मशीनों को चाहता है कि उनके खेत में आके इसकी डेमो की जाए, तो हमारी एक गाड़ी जो 24 घंटे 300 दिन राजस्थान में चलती रहती है, तो वो हमारी डेमो की पूरी टीम आएगी, उनके साइट पर जाके इन मशीनों का डेमो देगी, उनकी तसल्ली कराएगी, उनका मन बने फिर इस मशीन को ले। मतलब ये फार्मर तक रीच आप बता रहे हैं? फार्मर तक रीच है हमारा। ऐसा नहीं है कि किसान भाई यहाँ आए, यहाँ पे कोई भी हमें कहीं से भी कॉल करता है, हमारा उसका पूरा वैन का रूट बना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने आज कॉल किया तो दूसरे दिन में उनके पास गाड़ी पहुंच जाएगी, नहीं, उसका एक पूरा रूट बना होता है। गाड़ी जैसलमेर भी चल रही होती है, जयपुर भी चल रही होती है, सीकर, कोटा, सब जगह चल रही होती है। जैसे जैसे किसान भाई हमें कॉल करते हैं वैसे वैसे उसका एक रूट मैप बनता चला जाता है और उनके वहाँ पे आके, यही नहीं, उस गाड़ी में कम से कम 30 से 35 मशीनें होती हैं और सारी की सारी मशीनें जो जो उनके काम में आने वाली हैं वो उन मशीनों का डेमो ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज उनको पे करना नहीं होता। अगर डीलर लोकेशन की बात की जाए तो डीलर लोकेशन हमारे पास जितने भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो गंगानगर है, मतलब बहुत सारी फेमस लोकेशंस में हमारे डीलर हैं। राजस्थान से बाहर भी हम बात करें तो हमारे फेमस सिटीज में सब जगह हमारे डीलर्स और सर्विस सेंटर सारे सारे मुहैया कराए गए। जी, ये मशीन हमारे जो हम मुहैया कराते हैं वो 2 जिसके साथ ट्रैवलिंग टायर्स आते हैं, ताकि आप एक खेत से अगर वर्कशॉप में मशीन लेके जानी है या अपने गैरेज में मशीन लेके जानी है वहाँ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ रोटावेटर साथ में मशीन के साथ आते हैं। रोटावेटर के अलावा, क्योंकि इसमें PTO शाफ्ट लगी हुई है या इसमें और भी बहुत तरह के उपकरण दिए जाए जो कि हमने वीडियो में दिखाया है, अलग अलग तरीके के हम इसमें उपकरण लगा सकते हैं और भी कुछ इस तरह की एसेसरी लेना चाहते हैं, चाहे वो पेडलर हो गया, केजुअल हो गया, रीजर हो गया, पुलाव हो गया, वो सारी एसेसरी भी मुहैया कराई जाती है। जैसे जैसे फार्मर की डिमांड है वैसे वैसे उनको दिया जा सकता है। इसी से जुड़ती हुई किसान की दूसरी रेंज हमारे पास है, हमारा वाटर पंप।
ये वाटर पंप भी तीन साइज में आता है, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच। जहां तक मेरी नॉलेज है 4 इंच ब्रांडेड में लेके आने वाले इंडिया में पहली कंपनी थी स्टील। ये 6 HP में, 2 इंच और 3 इंच 6 HP में आता है, और जो 4 इंची होता है वो 7 HP में आता है। यूरो 5 इंजन है, अगेन ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। कि हमने इस साल से इसके ऊपर स्कीम चालू की है, जो भी कोई किसान भाई जिसके पास पुराना वाटर पंप है या पुराना टीलर है, वो किसी भी कंडीशन में हो, सिर्फ वो चालू हालत में हमें मिलना चाहिए। जितना भी पुराना हो, किसी भी ब्रांड का हो, उससे मैटर नहीं करता। अगर कोई पुराना टेलर हमें देता है तो हम इस मशीन के ऊपर 15,000 रुपये की छूट और देंगे, और इसी तरह अगर कोई पुराना वाटर पम्प देता है तो हम उसके ऊपर 6,000 रुपये की छूट हम और देंगे। तो ये हम एक नई सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा ये मशीनें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी सब्सिडी में भी दिए जाती हैं। अगर किसी किसान का परमिट निकलता है तो ये मशीन उसमें रजिस्टर्ड है, वो इस पे सब्सिडी का लाभ भी। सिर्फ पावर टिलर की बात करें, सिर्फ ऑल रेंज नहीं, सिर्फ पावर टिलर हमारे सब्सिडी में मुहैया कराए गए, वो इसके ऊपर सब्सिडी का बेनिफिट भी ले सकता है। अगर जैसे जैसे सरकार सब्सिडी निकालती है, टारगेट्स निकालती है या परमिट्स निकालती है, तो अगर उनको सब्सिडी में नाम निकलता है तो सब्सिडी में ये मशीन ली जा सकती है। अभी तक हमने बहुत सारे रेंज के ऊपर बात किया, अब हम बात करते हैं जिन किसानों ने ट्रैक्टर लिए हुए हैं उनको धोने के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको अपने फार्म हाउस मेंटेन करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे गाड़ियां क्लीन करनी है, चाहे घर क्लीन करने हैं। हमारी बहुत बड़ी क्लीनिंग और लैंडस्केपिंग की रेंज है, जिसमें हम अपने वैक्यूम क्लीनर से बात करते हैं। इसमें हमारे पास 12 लीटर 20 लीटर और 30 लीटर तीन मॉडल आते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लीनर्स आते हैं जिसमें 120 बार से लेके 180 बार तक, 200 बार तक की मशीनें अवेलेबल हैं। इनका काम होता है ट्रैक्टर धोना, बाइक धोना, एसी की क्लीनिंग करना, टाइल क्लीन करना, घरों में जहाँ पे भी अपने को प्रेशर चाहिए वहाँ। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हमारे लॉन मूवर्स की एक अच्छी खासी रेंज है जिसमें इलेक्ट्रिकल और पेट्रोल दोनों के दोनों मॉडल अवेलेबल होते हैं। जहाँ पे हमारे पास लॉन है, हमारे पास गार्डन्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये रेंज दी जाती है। अगर आप देखोगे सर, हमने ऑलमोस्ट सारी रेंज को कवर किया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये मशीनों की जब सर्विस की बात आती है, स्पेयर पार्ट की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये छेनी है तोड़े से मशीनें ठीक होती हैं। अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा अपने सर्विस सेंटर पे कि किस तरह से इन मशीनों का देखभाल किया जाता है। अभी तक हमने आपको सारे टूल दिखाए, हर कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी सर्विस। बिना सर्विस के कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चल सकती। बिना सर्विस के कोई भी, आज मुझे भी अपने लिए कोई सामान लेने जाना है, चाहे घर के लिए चाहे अपने लिए, सर्विस नहीं है तो मैं उस टूल को नहीं लूँगा। मेरा टूल कहाँ पर सर्विस हो रहा है, किन हाथों में है, कहाँ पर मेरी मशीन की सर्विस की जा रही है, ये बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टील का अपना सर्विस सेंटर। ये सारा का सारा जर्मन्स डिज़ाइन करते हैं। ये सारा का सारा इक्विपमेंट, सारे के सारे छोटे बड़े टूल, इंजन को कैसे खोलना है, चेन को कैसे खोलना है, उसके तरीके के पार्ट्स को कैसे खोलना है, वो सारे के सारे बारे में इसके बताया जाता है। हम किसी भी डीलर को तभी डीलरशिप देते हैं जब वो हमारे सर्विस सेंटर लेते हैं, जब वो हमारी ट्रेनिंग्स लेते हैं। इनको हम दिल्ली में, पुणे में जाके इनके मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो चेन को शार्प करना है, चाहे वो चेन सो को खोलना है, किसी भी तरीके की जो चीज़ है उसको करने के लिए सर्विस सेंटर हम मुहैया कराते हैं डीलर एंड पे, जहाँ पे हमारे किसान भाइयों की, हमारे कस्टमर की, उपभोक्ताओं की मशीनों को रिपेयर किया जाता है। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी मशीन सही हाथों में, सही तकनीक और सही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस मशीन को रिपेयर करें। ये हमारा सर्विस सेंटर है जिसमें आपकी मशीनों को रिपेयर किया जाता है। आपके पास भी कोई स्टील की मशीन है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उसकी रूटीन सर्विस करानी है या उसकी रिपेयर करानी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपकी मशीन इंडिया में कहीं पे भी हो, हम आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर का नंबर आपको मुहैया कराएंगे जिसमें आप अपनी मशीन को रिपेयर करा सकते हैं। तो सर, हमने आपकी मशीनें देखी, शोरूम देखा, सर्विस सेंटर देखा, सारी प्रोडक्ट रेंज देखी, यकीनन बहुत बढ़िया, उनमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे साथ भी क्या है कि राजस्थान में हम खड़े हैं, उदयपुर में खड़े हैं, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, तो स्टील कंपनी उन किसान भाइयों तक कैसे पहुंचेगी, या फार्मर भाई आप तक कैसे पहुंचेंगे? सुरेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए भी हमारी कंपनी दिन रात लगी रहती है कि कैसे कोई भी छोटा बड़ा किसान हो, कस्टमर हो, हमसे वो छूटा ना रह जाए, या हम पे अगर पहुंचना चाहे तो बड़ा आसान है। मैंने अगेन जैसे पहले बताया, जो भी नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं, आप इन नंबर पे संपर्क करेंगे तो आपका कॉल सीधा हमारे सेंटर, जो पुणे हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाएगा। आपको उनको अपना सिर्फ नाम बताना है, अपना स्टेट बताना है, किस स्टेट से आप बोल रहे हो, राजस्थान से बोल रहे हो, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आप बोल रहे हैं। इमीडिएटली आपका नंबर वहाँ के लोकल एरिया मैनेजर के पास और उसके पास के डीलर के पास चले जाएगा। फिर आपको वहाँ से कॉल आएगा कंपनी की तरफ से कि आप कौन सी मशीन लेना चाह रहे हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी,
उस समय पे कौन सी ऑफर चल रही है, चाहे वो पुरानी मशीन लेके नई मशीन की ऑफर चल रही है, चाहे वो उस महीने की कोई ऑफर चल रही है, सारी ऑफर्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद भी आप चाहते हो कि नहीं, हमने प्राइस के बारे में बात कर लिया, क्वालिटी के बारे में बात कर लिया, मशीन के बारे में बात कर लिया, फिर भी अगर हमसे कोई भी हमारे कस्टमर ये चाहते हैं कि नहीं आप हमारे घर पे आके, हमारे खेत में आके, हमारे दफ्तर में आके हमें डेमो देके जाओ, तो इसी नंबर पे जब आप बताओगे या जो भी आपको कॉल करेंगे, इमीडिएटली आप उनको बताओ कि हमें हमारे एरिया में आके इसका डेमो देके जाओ। हमारी पूरी की पूरी गाड़ी जिसमें हर तरह की मशीन, जितनी भी आपने मशीनें देखी हैं वो सारी की सारी मशीनें लेस हैं, वो मशीनें आपके यहाँ पे आप ही के खेत में उतार के आप ही से चलवाएंगे, आप ही को चला के दिखाएंगे, आपकी संतुष्टि होगी तो आप मशीन खरीदिए। ये सबसे सही है, जब किसान को घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप उस तक पहुँच रहे हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने कोई मशीन अपने यहाँ पे गाड़ी मंगवा ली तो उसका कोई आपको चार्ज लगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेमो दी जाएगी। आप पूरी तसल्ली कीजिए उस मशीन की, जब रिक्वेस्ट ये कि जब आपके पास कोई गाड़ी आती है तो और भी आपके जैसे जैसे किसान भाई हैं उनको आप बुलाएं ताकि वो भी इन मशीनों को देख सकें, उनके जो भी क्वेरीज होंगी उसको वो क्लियर कर सकें। तो सुना है जब हम किसान मेलों पे होते हैं, जब हम एग्जीबिशन लगा रहे होते हैं या किसानों के बीच में पहुंचते हैं, वो एक चीज़ बताते हैं, मैं बिना नाम के ये बोलूँगा कि हम आपसे मशीन तो ले लेंगे, जो आप 5 साल 2 साल 4 साल की वारंटी बोलते हो, जब मशीन उनके पास जाके ख़राब होती है तो जब वो जिनसे मशीन ली होती है उनको कॉल करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते सर, वो ये बोलते हैं कि पड़ोस में कहीं आप बैरिंग डलवा लो, पड़ोस में कहीं आप ठीक करा लो। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया 800 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स हैं। जो भी किसान भाई कहीं भी इंडिया में हमसे मशीन लेता है, उसके आसपास जो भी सर्विस सेंटर्स होंगे उनको वो मशीन अगर वो वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जाएगी, उसकी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर उनको रिपेयर कराना है तो कोई उनसे ये नहीं बोलेगा कि आपने मशीन हमसे नहीं ली तो हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे, उनको पूरी सर्विस दी जाएगी। सर्विस सेंटर आपको देखा है, पूरे सर्विस सेंटर में तरीके से उनकी सर्विस कराई जाएगी, ऐसा नहीं। ये बहुत सही लगा क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन जो बताई गई मशीनों में आपको कौन सी मशीन बढ़िया लगी वो बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे नंबर है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो आपको करना ही है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं हमें फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।